दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल लेडरल टनल है, जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 24 किलोमीटर है। हाईवे टनल से मुझे याद आया कि भारत में भी दुनिया के सबसे हायर एल्टीट्यूड में बनी दुनिया की सबसे लंबी टनल बन चुकी है। दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल और दुनिया की वो सबसे लंबी हाईवे टनल जो हायर एल्टीट्यूड में बनी है, इन दोनों में अंतर है। ये अंतर वैसा ही है जैसा दुनिया की सबसे लंबी इमारत और दुनिया की वो सबसे लंबी इमारत जो हायर एल्टीट्यूड में बनी है। इसीलिए जोश जोश में ये ना कह दीजिएगा कि दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल भारत में स्थित है और इसका क्रेडिट अमेरिका खा गया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अटल टनल के बारे में और जानेंगे कि क्या ये अटल टनल भारत के लिए वास्तव में बेनिफिशियल है, एफिशिएंट है और ज़रूरी है। मुझे लगता है कि जिस देश में हाईवे टनल का निर्माण किया जा रहा है, उस देश की जनता को ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि कोई भी देश आखिर किसी भी हाईवे टनल का निर्माण क्यों करता है। कोई भी देश हाईवे टनल का निर्माण इसलिए करता है कि वो अपने अंडरग्राउंड लैंड का यूज़ प्रोडक्टिव तरीके से कर सके। सपोज़ कीजिए किसी देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से उस देश की जनसंख्या के पास वाहन भी ज़्यादा होंगे। ऐसे में वो अपने सारे वाहनों को नॉर्मल रोड पर नहीं दौड़ा सकता, अपने सारे वाहनों को दौड़ाने के लिए उसे कुछ एडिशनल फीचर वाले हाईवे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में वो देश हाईवे टनल का निर्माण करवाता है। बहुत सारे विकसित देश एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी हाईवे टनल का निर्माण करते हैं और कुछ देश हाईवे टनल का निर्माण इसलिए भी कर देते हैं कि उन्हें नॉर्मल लैंड का यूज़ करके लैंडस्केप को डैमेज नहीं करना होता। तो कोई भी देश हाईवे टनल का निर्माण प्रमुख तीन कारणों से करता है। पहला कारण, अंडरग्राउंड लैंड का यूज़ प्रोडक्टिव तरीके से किया जा सके। दूसरा कारण, एयर पॉल्यूशन पर कंट्रोल किया जा सके। और तीसरा कारण, लैंडस्केप डैमेज पर नियंत्रण रखा जा सके। भारत में अटल टनल का निर्माण इसलिए हुआ क्योंकि हिमाचल को लद्दाख से जोड़ने वाला मार्ग बर्फ के कारण वर्ष में 6 माह बंद रहता था, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापार पर काफ़ी असर पड़ता था और साथ ही साथ सेना के वाहनों को हिमाचल के मार्ग से लद्दाख में प्रवेश करने पर भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कहा जाता है कि अटल टनल के निर्माण का सुझाव अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनके परम मित्र अर्जुन गोपाल जी के द्वारा दिया गया था। मार्च 1998 से लेकर मार्च 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस दौरान 26 मई 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा रोहतांग टनल का लोकार्पण भी कर दिया गया। सन 2006 में इसकी जियोलॉजिकल रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई। बड़ी गंभीर बात तो ये है कि 2002 में जिस रोहतांग टनल का लोकार्पण तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा कर दिया गया था, बीआरओ को उसकी फाइनल टेक्निकल रिपोर्ट सन 2003 में मिली। 3 साल बाद सन 2006 में इसकी डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट को फाइनलाइज्ड किया गया। सन 2007 में इसके टेंडर पड़े और 2010 में इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब, जैसी समय पर संवेदनशील पंक्तियां लिखने वाले इस देश में 8 साल लग गए एक 9 किलोमीटर की टनल पर विचार करने में। समस्याओं के आयाम क्या थे ये बड़ी बात नहीं है, समस्याओं को किस तरह से और कितनी जल्दी से सुलझाया गया इस पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। जितना समय भारत को रोहतांग हाईवे टनल का नींव का पत्थर रखने में लग गया, उससे कम समय में मात्र 5 वर्ष में दुनिया का सबसे लंबा हाईवे टनल 24 किलोमीटर का तैयार हो गया। चीन का सबसे लंबा हाईवे टनल जिसका निर्माण कार्य 2002 में शुरू हुआ था, वो 2007 में बनकर तैयार हो गया और दिसंबर में वहाँ से गाड़ियाँ दौड़ना शुरू हो गई। लेकिन भारत के रोहतांग टनल का निर्माण कार्य इस दौरान अटका ही रहा। मैं जानता हूं कि एल्टीट्यूड की दृष्टि से दुनिया के इन सबसे लंबे और विशालकाय हाईवे टनल्स का कंपैरिजन इंडिया के अटल टनल या रोहतांग टनल से करना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है, लेकिन अमूमन हम देखते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े विशालतम टनल मात्र 6 या 7 वर्षों में बनकर पूरे हो गए, लेकिन भारत का ये अटल टनल 18 वर्ष तक लटका रहा। इस अटल रोहतांग टनल का बजट $438 मिलियन है, जबकि विश्व के सबसे लंबे
हाईवे टनल के निर्माण में मात्र 113.1 मिलियन डॉलर ही लगे हैं। रोहतांग टनल के बजट के साथ खिलौने की तरह खेला गया है। शुरू में अटल बिहारी वाजपेयी के समय अनुमान लगाया गया था कि ये परियोजना 500 करोड़ में पूरी हो जाएगी। फिर इसके बाद ये अनुमान लगाया गया विदेशी कंपनियों के द्वारा कि ये 900 करोड़ में बनकर पूरा हो जाएगा, लेकिन अंत में हम देखते हैं कि अटल टनल 3200 करोड़ की लागत से बनकर देश के बीच में आता है। मैं नहीं जानता हूँ कि आम आदमी इसे समझना नहीं चाहता या सरकार इसे समझाना नहीं चाहती। मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप सन 2002 के 438 मिलियन डॉलर और सन 2010 के 438 मिलियन डॉलर के बीच का अंतर समझ पा रहे होंगे। मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको ये भी पता होगा कि जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे उत्पादों के मूल्य में भी वृद्धि होती है, और यही कारण रहा होगा कि 2002 में जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ा उत्पाद कम मूल्य में मिलता होगा 2010 तक आते आते उसकी कीमत में इजाफा भी हुआ होगा, और परिणाम स्वरूप 500 करोड़ का बजट 900 करोड़ में जा पहुंचता है और 900 करोड़ का बजट 3200 करोड़ के साथ खत्म होता है। मैं अपने अध्ययन के आधार पर यह कह सकता हूं कि अगर इस टनल का निर्माण 2007 या 2008 के बीच में हो गया होता तो इस टनल के बजट के एक बड़े हिस्से का उपयोग हम किसी दूसरी दिशा में भी कर सकते थे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि चीन के सबसे लंबे हाईवे जिहोंग नानसान का निर्माण 2002 में शुरू हुआ था, और ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि 2002 में चीन ने जिस उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1 में खरीदा होगा उसी उत्पाद को भारत ने 2010 में चीन की अपेक्षा अधिक दर में खरीदा होगा। साथियों, ये समय जश्न मनाने का है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस जश्न के माहौल में अपनी लापरवाही को ओझल कर दे रही है, और जनता भी इस ओझलता को बड़ी सुलभता के साथ स्वीकार कर रही है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस 438 मिलियन वाले टनल के निर्माण के कारण कितने कथित गरीब अमीर बन गए होंगे। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वर्ष 2013 तक इस टनल का निर्माण मात्र 1.3 किलोमीटर हुआ था। अगर बात करें तो 118 मीटर प्रति वर्ष के हिसाब से 2013 तक इस टनल का निर्माण कार्य हुआ है। ये आंकड़े धीरे धीरे करके पर्याय बनते जा रहे हैं कि क्यों भारत की विकास गति इतनी कम है, और क्यों भारत विभिन्न आयामों में चीन जैसी एशियाई कंट्रीज से पिछड़ते जा रहा है। चलिए, ये सब तो हो गया गड़बड़ी का मामला, लेकिन जाते जाते बात करके जाते हैं इस गजब के टनल के स्पेसिफिकेशन के बारे में। जैसा कि मैंने पहले बताया कि लैंडस्केप डैमेज को कम करने के लिए हाईवे टनल का निर्माण किया जाता है, लेकिन रोहतांग टनल के निर्माण के समय ही 700 से अधिक पेड़ों की बलि चढ़ा दी गई, जो कि कहीं से भी इफेक्टिव नहीं है। अगर स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो इसकी ट्रैफिक डेंसिटी जानना भी बहुत ज़रूरी है। 1500 ट्रक और 3000 कार इसकी ट्रैफिक डेंसिटी है, और साथ ही साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि यह मनाली से लेह के बीच की डिस्टेंस को 46 किलोमीटर कम कर देता है। जगह जगह पर नेटवर्क कनेक्टिविटी का इंतजाम किया गया, और साथ ही साथ सारी गतिविधियों को मॉनिटर करने के लिए तमाम सीसीटीवी को भी लगाया गया है। अगर आप इस अटल टनल की स्पेसिफिकेशन के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट thenamanjoshi.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपके सुझावों का मेरे कमेंट बॉक्स में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।